मॉर्निंग क्लास थर्ड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट एंड टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर एंड चैप्टर इज फोर एंड टॉपिक इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड मतलब जो खाना हम खाते हैं वो खाना हम पका के खाते हैं, मतलब कुक करके खाते हैं। ओके, तो इसमें से जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से कुछ हम रॉ खाते हैं और कुछ हम कुक करके खाते हैं। सबसे पहली बात, हम फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। ओके, तो फूड हम लोगों को एनर्जी देता है जिससे हम काम करते हैं और प्ले भी करते हैं। और क्या करते हैं ना, फूड गिव्स क्या करते हैं ना, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। खाना खाओगे तभी आप स्ट्रांग बनोगे और हेल्दी बनोगे। ओके, और क्या करते हैं ना, फूड हम लोगों को, जो फूड खाने से हम लोग, फूड गिव्स, फूड कीप प्रोटेक्ट अस। ओके, फूड कीप्स अस प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। तो हम लोग जो जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा, फिर हम बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे तो जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए खाना हम लोग खाते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में, जिससे हम लोगों के अंदर से एक एनर्जी आए, जिससे हमको ताकत मिले, हम काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, हम लोगों की बॉडी को मतलब हेल्दी कर सकते और स्ट्रांग कर सकते, और बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों के अंदर से एक ताकत भी आते हैं। ओके, अब आता है हम लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं। सबसे पहले जो फूड हम खाते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फूड आते हैं प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से जो जो आते हैं, क्या क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आता है, पल्सेस आता है, सीरियल्स आता है, ये सारे प्लांट से आते हैं। और एनिमल से क्या क्या आता है, एनिमल से मिल्क आता है, फिश आता है, फ्लेश आता है, एग आता है, और फिर क्या आता है, घी, दूध, बटर, ये सारे जो है एनिमल से आते हैं। अभी जो ये सारी चीज़ प्लांट्स और एनिमल्स हम लोगों को मिले हैं उसमें से कुछ फूड हम रॉ ही खाते हैं और कुछ फूड हम पका के खाते हैं। ओके, जो फूड हम कच्चा खाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ फूड। ओके, जैसे उसमें से सारे जो फ्रूट्स हम खाते हैं, सारे जो फ्रूट्स हम लोगों को खाने को मिलते हैं वो सारे हम कच्चा खाते हैं। जैसे एप्पल बोलो, फिर मैंगो बोलो, बनाना बोलो, पपाया बोलो, और क्या क्या बहुत से जो भी चीज़ है, जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, जो भी है, ये सारे के सारे हम रॉ खाते हैं। ये तो हम पका के नहीं खाते हैं ना, तो जो चीज़ हम रॉ खाते हैं मतलब कच्चा खाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ फूड। उसमें से कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी हम रॉ खाते हैं, जैसे हो गया रेडिश, जैसे हो गया पीज, जैसे हो गया कैरट्स, ये सारे हम कच्चा खाते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ फूड। ओके, ये सारे हम बिना पके हुए भी मतलब जो जो वेजिटेबल्स हम नाम लिया वो हम पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। ओके, अभी हम आते हैं कुक फूड में। कुक फूड क्या है, जो फूड, जो खाना हम खाना खाते हैं, कुछ कुछ फूड है जो बिना कुक किए हुए हम नहीं खा सकते। जैसे राइस हो गया, देखो राइस हम कच्चा नहीं खा सकते। व्हीट हो गया जिससे हम चपाती बना के खाते, वो फिर हम लोग पका के खाते हैं ना, कुक करके खाते हैं। फिर बहुत सारा जो अनाजी होते हैं, दाल होते हैं, सारे कुछ हम पका के खाते हैं, कुक करके खाते हैं। जैसे फिश हो गया, पटाटो हो गया, फिर फ्लेश हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सारे जो वेजिटेबल्स का नाम मैंने ली हूँ या जो भी फूड का नाम मैं ले ली हूँ, ये सारे हम कुक करके खाते हैं। अभी देखो हम खाना को कुक क्यों करते हैं, क्योंकि कुक करने से बहुत चीज़ों की फ़ायदा होती है। एक तो है खाना हम लोगों की टेस्टी बनता है ना, तो कुक फूड टेस्टी होता है, कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, तो खाना टेस्टी होता है। दूसरी क्या होता है, कुक करने के क्या होता है, कुक करने से जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फूड के आइटम्स है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमको खाने के बाद जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। ओके, तो जैसे मानो जो कैरेट हम पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, कच्चा खाने से क्या होता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और पका के खाने से वो थोड़ा सा जल्दी पक जाता है, क्योंकि कुक करने से वो जो फूड होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है और जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी क्या होता है, और एक सबसे बड़ी बात इसमें से हम लोगों को क्या होता है, क्योंकि कच्चा खाने से उसमें से बहुत सारा जर्म्स रहता है,
ठीक है। तो आप जैसे मान लो कैरेट हो गया, पीज हो गया, ये जो हम कच्चा खाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत जर्म्स रह जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जे बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले खाने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, अच्छे से धोना चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें जितना भी जर्म्स रहता है वो निकल जाता है, और कुक करने की वजह से क्या होता है, वो सारे जर्म्स किल हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो ये सारे फ़ायदा होता है कुकिंग करने से। ओके, अभी हम देखो वेज ऑफ कुकिंग। कुकिंग बहुत तरह तरह के हम कर सकते हैं, कोई बेकिंग करके कर सकते हैं, कोई रोस्टिंग करके कर सकते हैं, कोई बॉइलिंग करके कर सकते हैं, कोई फ्राई करके कर सकते हैं, कोई बेकिंग करके कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बताओ कौन सा चीज़ हम, कौन सा फूड हम बॉइलिंग करते, कौन सा चीज़ हम बेकिंग करते, कौन सा फूड को हम रोस्टिंग करते, ये हम लोगों को पता नहीं है। जैसे देखो बॉइलिंग, बॉइलिंग देखो राइस, पोटैटो, ये एग, ये सारी चीज़ बॉइलिंग करके ही हम लोग खाते हैं। एक देखो बिना बॉयल भी खा सकते हैं, लेकिन राइस ये जो है, जैसे कोई भी दाल ले लो, ये हम बिना बॉयलिंग किए हुए हम नहीं खा सकते। जैसे पटाटो, पटाटो को भी हम लोग बॉयल करके ही खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका बॉयलिंग आइटम फूड। ओके, अभी आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या होता है पता है, रोस्टिंग मतलब क्या ना, आग के ऊपर ये जस्ट इसको सेकना होता है। जैसे हम लोग कोई टिक्का चीज़ खाते हैं, जैसे पनीर टिक्का हो गया, जैसे फ्लेश हो गया, जैसे पॉपकॉर्न हो गया, ये चीज़ क्या होता है ना, आग के ऊपर हम सेक के खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, अभी होता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग क्या होता है ना, जब हम ऑयल में इसको एकदम डीपली फ्राई करते हैं। जैसे कोई भी पकौड़ा ले लो, पकौड़ा हम जब खाते हैं तो क्या करते हैं, डीप फ्राई करके खाते हैं। फिर हम पूरी जब खाते हैं तो पूरी को क्या, कैसे कैसे करके हम फ्राई करते हैं, एकदम डीप फ्राई। बहुत सारा मम्मी कढ़ाई में तेल डालते हैं, फिर उसके अंदर डीप फ्राई करके ये सारी चीज़ हम खाते हैं। ओके, अब आता है शैलो फ्राई। शैलो फ्राई मतलब क्या होता है, ये डीप फ्राई नहीं होता है, फ्राई तो होता है लेकिन थोड़ा सा तेल ऑयल में इसको हम फ्राई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शैलो फ्राई। जैसे क्या होता है शैलो फ्राई में क्या क्या होता है, जैसे हम पराठा हम जब खाते हैं उसको मम्मी को देखना एकदम डीप फ्राई नहीं करते, थोड़ा सा तेल डाला या घी डाला उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शैलो फ्राई। या डोसा जब मम्मी बनाते हैं, या डोसा जब बनते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा तेल डाल के इसको हम फ्राई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, शैलो फ्राई। फ्राई ये भी हो रहा है, फ्राई वो भी हो रहा है, वो डीप फ्राई हो रहा है जिसमें ज़्यादा तेल डाल के डिप करके ऑयल में हम डिप करके हम फ्राई करके खा रहे हैं, और इसको भी फ्राई हो रहा है लेकिन थोड़ा सा तेल में इसको हम फ्राई करके खा रहे हैं। ओके, अब आता है बेकिंग। बेकिंग जो चीज़ होता है, जैसे केक, केक बिना बेकिंग होता नहीं है, क्योंकि इसमें बॉइलिंग भी नहीं चलता, फ्राइंग भी नहीं होता, रोस्टिंग भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ इसको होता है बेकिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ हम बेकिंग करके खाते हैं, जैसे ब्रेड, केक, ये सारे बिस्किट, ये जो आता है ना बेकिंग आइटम में आता है, तो ये हो गया आपका बेकिंग फूड। ओके, अभी हम आते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब जब हम खाना पकाने के समय में जो जो बर्तने यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, जैसे मामी के किचन में जाओ, मम्मी देखो खाना पकाने के टाइम में कौन सा बर्तन यूज़ करता है, देखो कढ़ाई होता है, कड़छी होता है, भगोना होता है, कटोरी होता है, थाली होता है, बहुत सारा होता है, ये सारे चीज़ होता है यूटेंसिल्स के अंडर में। तो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होता है, छोटे होता है, बड़े होता है, तरह तरह का डिफरेंट साइजेस का होता है। ओके, अभी ये बर्तन देखो किस चीज़ के बना होता है, कोई बर्तन एल्युमिनियम के बना होता है, कोई बर्तन तांबे के बना होता है, कोई बर्तन स्टील का बने होता है, कोई बर्तन मिट्टी का बने होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते, कौन सा यूज़ में लेना है, कौन सा बर्तन कौन सा यूज़ में लेना है, उसी हिसाब से हम बर्तन को यूज़ करते हैं। ओके, अब आता है हीटिंग सोर्सेस क्या होता है, खाना पकाने के टाइम में हम लोगों को हीट की ज़रूरत होता है, मतलब आग की ज़रूरत होती है। सबके घर पे गैस तो है ही है, कोई कोई जिसके घर पे गैस नहीं है वो क्या होता है, उसमें हम कहीं स्टोव में करते हैं या चूल्हा में करते हैं। तो सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, देखो गैस स्टोव हो गया, चूल्हा हो गया, फिर क्या होता है, और सोलर कुकर भी हो गया, ये सारे होता है हीटिंग सोर्सेस। यहाँ से इससे ऊपर इसके ज़रिए इसके हेल्प से हम खाना पकाते हैं। ओके, ये सारे हमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिया है। इसमें जैसे एक्टिविटीज़ क्या है, चपाती कैसे बनाना है
सबसे पहले चपाती को कैसे बनाना है, देखो ये कैसे ही बोला है। चपाती जो बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं का जो आटा होता है उसको लेना है। तो एक बाउल में एक आटे ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसको गूंथ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, गूंथने के बाद उसके लोइया कराया, फिर उसको बेला, फिर सेका, फिर रोटी बन गया। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ सम फूड्स। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन फूड्स दिया है, क्या क्या दिया है फूड्स की प्रिपरेशन। सबसे पहले एक स्नैक्स बना है, फिर एक शरबत बना है, फिर एक सैंडविच बना है। सबसे पहले स्नैक्स में क्या बना है, ये स्प्राउट, मूंग दाल जो होता है ना, स्प्राउट किसको बोलते हैं, जैसे मान लो चने ले लो या मूंग ले लो, तो क्या करना है उसको कैसे बनाना है स्नैक्स के। सबसे पहले उसको रात में भिगो दो, पूरा रात भीग गया, सुबह उसको पानी निकाल दो। पानी निकालने के बाद वो जो मूंग अपने भिगोए थे उसको एक गीला कपड़ा में रख दो, वो थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा, पानी सोख कर देगा वो कपड़ा। एक दिन पूरा रख दो, दूसरे दिन जब देखोगे ना उसमें थोड़ा थोड़ा वो क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट चीज़ निकाला है, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग्स, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेट। अभी उसको आप ऑनियन डालो, टमाटर डाल के, कुकुम्बर डाल के, उसको लेमन डाल के उसको आप खा सकते हो। तो ये हो गया आपका स्नैक्स। अभी आता है लेमोनेड। लेमोनेड मतलब नींबू पानी। नींबू पानी कैसे होता है, एक ग्लास में नॉर्मल वाटर ले लो, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ दो, फिर उसमें शुगर और सॉल्ट डाल दो, बस अच्छा से उसको शेक कर दो, फिर वो बन जाएगा लेमोनेड आपका। फिर आता है आपका सैंडविच। सैंडविच क्या है, आपको दो पीस ब्रेड लेना है। ब्रेड लेने के बाद कोई कोई इसको रॉ भी खाता है, कोई भी इसको सेक करके मतलब बेक करके भी खाते हैं। तो आपका जो मर्जी है आप उसको ले लो। फिर ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाओ। बटर लगाने के बाद आप खीरा ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, उसको स्लाइस के साथ आप काट लो, फिर उसको ऊपर अच्छा से एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से उसको सजा दो, फिर दूसरी ब्रेड उसको ऊपर से ढक दो, ठीक है। फिर आपका वेजिटेबल्स का क्या बन गया, वेजिटेबल सैंडविच बन गया, बस ये आप खा लो। ये हो गया आपका सैंडविच का। अभी आता है चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क कुछ नहीं है, आप एक ग्लास में दूध ले लो, उसके अंदर आपका चॉकलेट पाउडर डाल दो बस, या कोको पाउडर डाल दो, फिर खा लो, मिक्स करके उसको खा लो। ये हो गया आपका चार चीज़ें यहाँ पे कैसे बनाना है ये बोल दिया, मतलब ये प्रिपरेशन कराया। अभी आते हैं अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ कुक्ड फूड। देखो बेटा, फूड जो होता है ना सबसे वेरी वेरी प्रिशियस होता है, मतलब बहुत चीज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत कॉस्टली चीज़ होता है फूड। हम लोग फूड के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सब लोग फूड के लिए, खाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वो खाना वेस्टेज करना अच्छी बात नहीं होती है। आप प्लेट में जितना खा सकते हो वो उतना लेना चाहिए, आप खा सकते हो फिर बाद में लो, लेकिन कोई कोई पूरा भर के लेता है, फिर वो बाद में नहीं खा पाते, फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है जो फूड के लिए तरसते हैं, फूड के लिए वो मर जाते हैं, फूड के बिना वो रात में सो जाता है, भूखा पेट सो जाता है। तो उन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको बच गया खाना, कुक फूड मतलब मम्मी जो खाना बना है वो बच गया, कोई बात नहीं, आपके सबके घर पे रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है, तो डाल दो। फ्रिज में रखने से वो फूड बहुत दिनों तक आपके पास फ्रेश रहता है। तो ऐसा करके हम फूड को वेस्टेज से बचा सकते हैं, ओके। तो ये जो चैप्टर है कुकिंग फूड, आप घर पे अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और इसके मीनिंग भी समझोगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा जैसा मैम ने समझाया है वैसे वैसे आप बार बार रीड आउट करोगे तो समझ में आ जाएगा मैम ने कैसे पढ़ाया। आप इसको वीडियो भी देखना है, ओके। थैंक यू।